बर्फ इतनी ज्यादा पड़ रही है कि लोग बाहर आना डर रहे हैं, मुश्किल है, बाहर आने से डर रहे हैं, इतनी बर्फ पड़ रही है। लेकिन बच्चे तो बच्चे, बच्चों को कौन रोक सकता है, अपने शौक को नहीं रोक सकते बच्चे। ये हमारा गुलाम नबी मीर दुकानदार नीरू का, जो अपने दुकान की छत से बर्फ हटाते हुए। गुलाम नबी मीर साहब, कुछ कहना चाहोगे बर्फ के बारे में? बस एक ही खुदा एक काफी से, ये तो हर साल हर कोई बोलता है जून जुलाई में हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बर्फ तो ज्यादा पड़ रही है गुलाम नबी साहब। कम से कम 3-4 फुट के बीच में पड़ी, मकान गिरने का खतरा बन गया। अब क्या अंदाजा है आगे का? बस आगे अल्लाह एक ही जानता है, और किसको बताए यहाँ। चलो अच्छी बात है गुलाम नबी साहब, आपसे बात करके बहुत खुशी मिली। और क्या कर सकते हैं, किसी को बोल नहीं सकते, ना कोई सुनने वाला है। अल्लाह अपनी हाल 60 साल से बता रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला अल्लाह है, अल्लाह की जात है जो हमें इस बिछड़े हुए इलाके में, मतलब भूखा नहीं सुलाती है, वो भी नहीं दे रहे, मार रहे बस यही। ओके, अस्सलाम वालेकुम साहब, गुलाम नबी साहब।